गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट किया और ये वाली बेडशीट मुझे चेंज करनी है, तो अभी इसे उतार दूँगी क्योंकि दो तीन दिन हो गए बिछे हुए, तो आज मुझे चेंज करनी है। तो ये जो बेडशीट बिछी हुई है ना, इसके साथ कवर नहीं थे तो मैंने पिलो कवर दूसरी बेडशीट के डाल दिए थे। और इसका डार्क कलर है, ये ना सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि डार्क कलर होगा ना रूम में जितना, उतना ही सर्दी कम लगती है, ऐसा महसूस होता है। और गर्मी में क्या होता है, लाइट कलर अच्छे लगते हैं। लाइट लाइट हो, बेडशीट भी लाइट सी बिछी हो तो गर्मी सी भी कम लगती है। तो अभी मेरे पास ये डार्क कलर है तो मैं डार्क ही बिछा लेती हूँ। वैसे लाइट कलर मेरे पास दो हैं, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो में। गुड़िया के पेपर चले हुए तो मैंने उसको नाश्ता करा दिया था, सुबह चाय ब्रेड दे दिए थे, तो वो नाश्ता करने के बाद अपना पेपर लेने लगी। और पेपर वैसे उसका हो गया, उसका पेपर हो गया था, 9 बजे शुरू हुआ था, शायद 1-1.5 घंटे में हो जाता है। मैं पार्क चली गई थी, मुझे पता नहीं है किस टाइम उसका पेपर फिनिश हुआ। तो पार्क से आके मैंने चाय बनाई और थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी और रोटी नाश्ते में, क्योंकि गुड़िया के दादा दादी आए ना तो जल्दी नाश्ता करते हैं सुबह। मैं तो लेट बनाती हूँ, वैसे हम कर लेते हैं 11 बजे तक, इसलिए फिर मैं जल्दी बना देती हूँ कि जिस टाइम भी खाना होगा खा लेंगे। तो मैंने जल्दी बना दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में ये सेटिंग करने के लिए, बेडशीट ठीक कर दूँ और अच्छे से संभाल दूँ घर, उसके बाद ही झाड़ू लगा। किचन भी मैंने थोड़ी तो संभाल दी और कुछ फैली हुई है क्योंकि नाश्ता किया था ना, तो दोबारा जो भी काम हुआ, वैसे तो बर्तन साथ के साथ होते रहते हैं, साथ के साथ धोते भी रहते हैं, पर फिर भी हो ही जाते हैं बर्तन कितना भी कर लो। इसे मैं रास्ते में से हटा रही थी क्योंकि झाड़ू लगानी थी ना, फिर इन्होंने मना कर दिया कि मैं बैठूँगा, तो मैंने वापस लगा दिया। और ये फोल्डिंग यहाँ से हटा दूँगी और झाड़ू लगानी है ना, तो फिर रास्ते में कोई भी चीज़ें हटा देती हूँ मैं, फिर आराम से झाड़ू लग जाती है। और देखिए, काम के चक्कर में मैं अपनी दवाई लेनी भूल जाती हूँ। अभी 12 बजने वाले होंगे जब मुझे दवाई याद आई अपनी, सुबह की है ये मेरी, तो मैंने सोचा ये बाहर बैठे थे ना तो मैं भी यहीं पे लेके बैठ गई कि मैं अपनी दवाई ले लूँ और उसके बाद काम करूँगी। अचानक से याद आई क्योंकि काम करते करते ना भूल जाते हैं कि दवाई भी लेनी है। फिर तो मैं अपनी दवाई उठा के लाई कि मैं पहले दवाई ले लूँ, उसके बाद करूँगी सब कुछ जो भी कुछ करना है। तो अब मैं आई हूँ किचन में और सारी किचन संभालूंगी क्योंकि सामान फैला हुआ था कल लेके आए थे ना, तो थैलियाँ ही थैलियाँ हो रही थी और सारी कहीं ना कहीं रखी रहती है ना तो फैला हुआ लगता है, इसलिए मैंने जो भी थैली की चीज़ थी सारी वो एक बाउल में निकाल ली। फ्रूट थे बस, और तो कुछ नहीं था, तो वो मैंने सारे एक जगह रख दिए। और इन्हें धोना भी है तो अभी तो मैं निकाल के रख दूँगी, बाद में धो लूँगी। और नीचे से मेरी किचन भी मैसी हो रही है, रैक भी मेरा जो साफ़ करके मुझे प्याज टमाटर रखने थे वो भी करना है और करूँगी। एक दो दिन में देखती हूँ कब टाइम मिलेगा, करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मैं लगा लेती हूँ फटाफट झाड़ू। गर्मी हो रही है और घटा भी हो रही है साथ में, सुबह से ही हो रही है घटा तो, पर बारिश अभी तक नहीं आई, देखते हैं बारिश होगी या नहीं। अगर बारिश हो गई तो थोड़ा सा गर्मी में राहत मिलेगी, वरना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, काम भी नहीं हो रहा। जब भी थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं तो पसीने में ऐसे नहा रहे हैं जैसे कि नहा के निकले हो अभी। तो चलिए फिर मैं अभी किचन साफ करूंगी, अपना किचन संभाल लेती हूँ। झाड़ू मैंने लगा दी, सुबह के टाइम से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। ठंडा लाऊंगी अभी ऐसा लाऊंग गुड्डू, फिल्टर का दे दू ना नॉर्मल। अरे गर्मी हो रही है, पसीने में ठंडा मत पी।
गर्मी इतनी हो रही है ना पसीने में, मैं बच्चों को कहती हूँ कि फ्रिज का ठंडा पानी मत पिया करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। और गुड़िया तू क्या फैला रहा है यहाँ, मैं सभी अभी सब अभी संभाल के गई थी, क्या कर दिया ये? हेलो, कहाँ छुपा हुआ मैं बेटा, कर दे अब ये सारे। यही संभालता है, यही पूछ रही हूँ मैं आपके कपड़े कहाँ ये सारे धोने, कुछ साफ है कुछ धोने के है इसमें, करो अलग सारे तू कर देना। मेरे को क्या पता कौन से, अब तूने निकाले तू, मैं बता दूंगी तू अलग अलग कर दे। जल्दबाजी में ना गाइस कुछ बातें ऐसी उल्ट पुल्ट निकल जाती है मुंह से, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली घर में बोलते रहते हैं, जैसे ही कैमरा ऑन होगा ना तो मेरे मुंह से कुछ से कुछ निकल जाता, फिर मैंने स्किप नहीं करती, डाल देती हूँ ठीक है, जैसी भी बन रही है सही है। ना वहां से पिक होके आ जाएंगे, क्योंकि वहीं पे पड़ता है ना वो सरोजनी नगर, एम्स जाएंगे किसी दिन, वहां से लेके आ जाएंगे और तुझे नहीं बताएंगे गुड़िया। अभी भर के आई हूँ मैं ये बोतल रख क्या गुड़िया, अभी भर के आई थी मैं, बोतल ठंडी नहीं हो रही, जा रखिया भर के रख दियो फिर भाई दोबारा, मैं दो तीन बोतल भर के रखा हूँ, बार बार में मत वो करो और ज्यादा ठंडी मत पियो, मौसम खराब हो रहा है, ठंडी नहीं। अच्छा ठंडी नहीं है जब भी, तो पीने दे रही हूँ मैं, ठंडी होती तो पीने नहीं देती ना। तेरे पीछे करंट का वो हो रहा गुड़िया, वो उसका बोर्ड लिखड़ा पड़ा, यहाँ आके बैठ जा पीछे, हाथ मत लगा दियो देख पागल। हाँ पता नहीं उसमें पड़ी होगी, शायद होगी तो चेक कर लियो। और ये मेरा रात का खाना बन रहा, तो मैं आज पुलाव बनाऊंगी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मेघा मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आपने कहा था ना कि नेक्स्ट वीडियो पुलाव की बनाना, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ पुलाव की वीडियो आज शेयर कर रही हूँ। तो चिकन पुलाव मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो प्याज मैंने इतनी गोल्डन कर ली है, थोड़ी सी गोल्डन होनी चाहिए ये डार्क, क्योंकि ज़्यादा कच्ची प्याज तो अच्छी नहीं लगती चिकन में। और मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें लौंग, काली मिर्च, इलायची और बड़ी वाली इलायची, हरी इलायची हो तो वो भी डाल दो, मेरे पास है नहीं, और धनिया और जीरा, इसमें कई सारी चीज़ें थी, उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और चिकन को भी मैंने प्याज के साथ में डाल दिया, तो इसे अच्छे से भून लेंगे। तो बस प्याज गोल्डन होने के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया, उसके साथ डाल दिए थे खड़े मसाले, उससे इसमें अच्छी खुशबू आ जाती है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और चिकन अच्छे से फ्राई होने के बाद जब मैंने इसमें डाले थे टमाटर और दो तीन हरी मिर्च, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी कुछ बेसिक मसाले, तो मसाले में मैंने थोड़ी सी डाली है इसमें हल्दी, धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ, और इसमें थोड़ा सा जीरा और डाल दिया, मेरे गरम मसाला जो साबुत था ना उसमें जीरा कम था, इसमें मैंने डाल दी लाल मिर्ची। और इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे इसको मसाले को, क्योंकि इसमें कच्चा नहीं रहना चाहिए जब तक ये तेल ना छोड़ जाए, मैं इसको चिकन के साथ अच्छे से भून लेती हूँ, तो जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा ना तो इसे मैं ऐसे ही चलाती रहती हूँ, तो अच्छे से पक जाता है। इसमें दही डाल के बनाए तो पुलाव और भी अच्छी बनती है, दही मेरे पास आज नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। और मसाला अच्छे से पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया पानी, और इसे थोड़ी देर एक बॉयल आने दूँगी, क्योंकि पानी अच्छे से पक जाएगा, मुझे इसमें से सब्जी भी निकालनी है, वरना सब्जी नहीं निकालनी होती तो मैं इसके साथ ही चावल डाल देती,
तो गुड्डू चावल नहीं खाता, तो उसके लिए मैं सब्जी निकालूंगी अलग से, इसलिए थोड़ी देर और पकानी पड़ेगी मुझे। बस इसे थोड़ी देर ढक के पका लूँगी, पानी अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी चावल। तो चावल भी मैंने थोड़ी देर भिगो के रख लिए थे धो के, उससे चावल अच्छे फूल जाते हैं, तो मैंने इसमें चावल डाल दिए और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर इसमें पुदीना होना, पुदीना डाल दे पकने के बाद पुलाव तो और भी अच्छा लगता है। पुदीना मेरे पास नहीं था तो मैंने बस इसमें आज धनिया डाला था बनने के बाद। तो बस पानी आप अपने चावल के हिसाब से रखें, मैंने इसमें अपने हिसाब से ही रखा जितना मैंने डाला, और नमक दोबारा ज़रूर डालें क्योंकि नमक फिर कम रह जाता है, इसलिए मैं चावल के साथ फिर बाद में नमक डालती हूँ जितना चाहिए होता है, और उसके बाद लास्ट डाल देनी है इसमें सौंफ, उससे खुशबू अच्छी आती है, तो मैंने इसमें सौंफ भी डाल दी। तो बस अब इसे थोड़ी देर पकने के लिए मिक्स करके, तो पुलाव बनके तैयार हो गई। मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया धनिया। तो मेघा आपको कैसी लगी, अगर वीडियो देखी हो तो ज़रूर बताना। तो ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।